एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत दो दो बार हम लोग लोकसभा और दो दो बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका, पार्टी के तमाम हितों को, पार्टी की तमाम चिंताओं को, पार्टी के तमाम कंसर्न्स को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि एड्रेस करने का भी काम किया। आज जब हम लोग गठबंधन, ये गठबंधन की घोषणा नहीं है क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब आप गांव-गांव जाते हैं, घर-घर जाते हैं, और क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ना सिर्फ बिहार में बल्कि विभिन्न और राज्यों में भी पार्टी के कार्यक्रमों में मैं गया हूँ, ये मेरा विश्वास वहाँ से आता है कि ये 400 का लक्ष्य ना सिर्फ हम लोग पार करेंगे बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा।